हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 8वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे कोशिका के बारे में, इसकी संरचना देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे। तो चलिए बड़े धैर्य के साथ सुनिए, लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ कह लीजिए, वो आपको बता दिया जाता है। इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा चैप्टर रहते हैं जो भी आपकी एनसीईआरटी है अभी तक की, बहुत कहानी का रूप देकर लिखी गई है, बहुत अच्छा रहता है। बस इतना है कि सरल जो भी चीज़ लगती है या होती है, जो भी सरल चीज़, वो पढ़ने से उगते हैं, उसे पढ़ने से उगते हैं। इसलिए धैर्य के साथ मन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है सर, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो जी सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बता सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाइयों के विषय में पढ़ेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्म दर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। इस तरह से रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिका है। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हुए। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को क्या नाम दिया, कोशिका। हुक द्वारा देखी गई बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता है। जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसके बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों तक बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका। कोशिका भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनाएं इकाई है। मतलब समझ रहे, भवन के लिए जितने ईंट की आवश्यकता है, उतनी सजीवों में कोशिका की। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन या फिर साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाएं की संरचना अधिक जटिल होती है। ईंट की दीवार, प्याज की झिल्ली, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़े होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्म
दर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्तक प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन हम लोग करते हैं। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ जो होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख। ठीक है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहु कोशिक, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब अलग और सेल्यूलर मतलब कोशिका। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है जो निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो याद रखना क्या है, जो भी जीव होते हैं अपने पृथक जीव का प्रारंभ एक कोशिका के से ही होता है, उसके बाद वो बढ़ती जाती है। ठीक। एट पॉइंट 3A और 8.3B को देखिए। दोनों जीव कोशिका से बने हुए हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक अमीबा परामीशियम, एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव भी वही सब आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती हैं। एक कोशिक जीव जिसे जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन उत्सर्जन वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिका का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। एट क्रियाकलाप 8.1। अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्रित करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को भी दिखा सकते हैं। बात करते हैं कोशिका की आकृति के बारे में। चित्र 8.3A को देखिए। इसे चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा में कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती। यह अपनी आकृति बादल बदलता रहता है। इसके मुख शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पदाब कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं, यह पिवर्द अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिक ग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अमीबा की बदलती हुई आकृति पदाब के बनने के कारण होती है जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC भी एक कोशिकीय संरचना का एक उदाहरण है।
जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र 8.4 ABC में मानव के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे रक्त पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृति उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। देख लीजिए, ये आपकी गोलाकार रक्त कोशिकाएं हैं, ये आपकी तरकु रूपी पेशी कोशिकाएं हैं, सी में आपकी लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। कोशिकाएं सामान्य गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तरकु रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। बात करते हैं कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी कि माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा सा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म दर्शीय होती हैं एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्तित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग कांडा है, जिसका साइज 170 mm से इंटू 130 mm होता है। ठीक है, क्रियाकलाप 8.2। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफेद बार एल्ब्यूमिन है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया है। पीला भाग योक है, यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्तक कोकर्ड के बिना भी देख सकते हैं। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत बड़ी अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके विकार यानी कि कार्य से है। उदाहरण के लिए, तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। फिर बात करते हैं कोशिका संरचना एवं विकार। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग हैं। आप कक्षा 7वीं में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग विकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादक अंग भी विशिष्ट या विशेष विकार करते हैं। उदाहरण के लिए, जड़ जल खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट विकार करता है। पहेली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचना
संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के भाग, कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घिरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3, किसी कोशिका के मूल संगठनों का निरीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मेथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हो। सूक्ष्मदर्शी की नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली किस कोशिका है? इस तरह से ये कोशिका द्रव हो गया, ये आपके केंद्रक हो गए। एक बात याद रखिए, जो भी आपके जो एक क्रियाकलाप होते हैं इन्हें पढ़ के जल्दी से निकल जाना है, इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिवर्त होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है जिसे कोशिका भित्री कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जली के समान पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्टिसिया इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहेली ने बूजों से पूछा, क्या वह जंतु कोशिकाओं का भी परीक्षण कर सकता है? क्रियाकलाप 8.4। एक स्वच्छ दांत खोदनी, टूथ पिक अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा मोड़कर हाँ हटा दिया गया हो लीजिए। इनकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए, स्क्रैप कीजिए। इसे कांच की साइड पर रखे पानी में रखिए। इसे आयोडीन बिलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर चले रखिए। आयोडीन बिलयन के स्थान पर आप मेथाइलिन ब्लू की एक दो बूंद डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रक को भी पहचान सकते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्री अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में आपकी कोशिका भित्री अनुपस्थित होती है। देखिए मनुष्य की गाल, ये आपका केंद्रक झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ऊपर कोशिका द्रव हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया। कोशिका द्रव
यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिका अंग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकांड्रिया, गाल्गीकाय, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, इन सभी माइटोकांड्रिया, गाल्गीकाय, राइबोसोम। अब बात करते हैं केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिकाओं के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रकावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संलग्न होती है अथवा कोशिका द्रव एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचना भी होती है, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जीन जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संपत्ति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिता जी की आंखें भूरी हैं, तो संभव है कि आपकी आंख भूरी हो सकती हैं। यदि आपकी माता जी के घुंघराले बाल हैं, तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हो। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिका जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं। बे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाएं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। प्याज की झिल्ली कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पर ध्यान दिया? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्राडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचना देखी होंगी। विपत्ति की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती है, इन्हें प्लेटेड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। हरे रंग के प्लेटेड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित
क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना, यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3, 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। 8.7 ए बी का ध्यानपूर्वक चित्र को देखिए, यह आपका पादप कोशिका या आपका जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका झिल्ली, ये आपका कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, ये रिक्तिका, केंद्रक, इसमें भी केंद्रक, कोशिका अधरक। आइए पादप एवं जंतु कोशिकाओं की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित रहती है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित रहती है। कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। केंद्रक आपकी दोनों में उपस्थित रहता है, केंद्रक झिल्ली भी आपकी दोनों में उपस्थित है, कोशिका द्रव भी आपका दोनों में उपस्थित है। ठीक, तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने, कोशिका के बारे में जाना है, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, हरित लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, यूकेरियोट के बारे में जाना है, जीन, बहुकोशिक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक अंग, कोशिकांग, प्लाज्मा, प्लेस्टिड, प्रोक्रियोट, पादप, ऊतक, एक कोशिक, रिक्तिका और श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, इन सभी को इस अध्याय में आपने पढ़ा है। ये आपका निष्कर्ष कर लीजिए पूरा, ये आपने जो इस अध्याय को जिस उद्देश्य से पढ़ा है, इन शब्दों की परिभाषा जानने के लिए पढ़ा है। इस पूरे अध्याय का आपका ये निष्कर्ष है। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। कोशिकाओं की विभिन्न आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या विविध है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका की वे सभी मूलभूत विकार करती हैं जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होता है। कोशिका के तीन मुख्य भाग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, तीसरा है आपका केंद्र। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से ही भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लेस्टेड कहते हैं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। हरे प्लेस्टिड जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। इसी अध्याय से संबंधित आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं, और PDF आपकी टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए। अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा के बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं मृत होती हैं। एक सामान्य वयस्क में लगभग 2 kg मृत त्वचा होती है। इतनी दिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता है रहता है। हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षय हो जाता है।
तो ये आपका आठवां चैप्टर था। नौवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जंतुओं में जनन देखेंगे, ठीक है।